गर्दन उनकी अजीब एक लेयर काली आ रही होती है। बड़ी जबरदस्त रेमेडी, होम रेमेडी जो हर कोई घर में बना सकता है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं डॉक्टर खुर्रम मुशीर, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। MBBS किया है मैंने फ्रॉम डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची से, और डी डर्म और MS इन डर्मेटोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स कार्डिफ UK से। और आज हम आपकी ब्यूटी, आपकी हेल्थ, आपकी कॉस्मेटिक इश्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आपके घर में मौजूद है, सर्दी के मौसम में बड़ा कॉमनली मौजूद होता है, और मैं चाहता हूँ कि आप लड़कियाँ, लड़के, ख़वातीन और सारे बिल्कुल टमाटर की तरह ना बिल्कुल फ्रेश लगें। देखिए टमाटर में आप देखें एक रेडनेस होती है ना, मगर रेडनेस बड़ी ब्राइटनेस के साथ होती है। अच्छा, और ये टमाटर आपको नेचुरली एक तो आपके जो गर्दन, ठीक है, आपकी जो नेप ऑफ द नेक होती है, ठीक है, गर्दन की गुद्दी, ठीक है, आपके नकल्स, ठीक है, ये देखिए नकल्स होते हैं, ठीक है, कोनियाँ होती हैं, एड़ियाँ होती हैं, इनको बिल्कुल सफ़ेद करेगा। क्योंकि होता ही हम लोग बैठे रहते हैं इस तरह, तो ये हिस्से डार्क हो जाते हैं, ठीक है। कोनियों में भी बहुत सारी, आपने अक्सर लड़कियाँ आती हैं, लड़के भी आते हैं कि जी हाथ पे बड़े साफ़ हैं, मगर ख़ास में देखिए नकल्स ये होते हैं, ठीक है, नकल्स लोग कहते हैं जी एकदम से बड़ा बुरा लुक आता है। क्यूटिकल्स ये होते हैं, ये हिस्सा ये एकदम से डार्क होता है, उससे आपके हाथ पैर मैले लगते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, अच्छा बहुत सारे बच्चे होते हैं अक्सर कि जी बहुत प्यारे से क्यूट अच्छे लग रहे होते हैं, गर्दन उनकी अजीब एक लेयर काली आ रही होती है, उससे वो अम्माएं बेचारी उनको रगड़ रगड़ के छील देती हैं, ठीक है, तो जो उससे जबकि कोई सोल्यूशन नहीं है, और जबकि वो बड़ी गलत चीज़ है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। वो कहती है जी बच्चों को भी देखिए मैं इसकी गर्दन रगड़ती रहती हूँ फिर भी काली रहती है, तो जी रगड़ने से नहीं, सही चीज़ लगाने से वो सही होगा। अच्छा, मैं एक आपको जो हम आपको चीज़ें देते हैं हम उसमें आपको पिक भी डाल देंगे। देखिए दो क्रीम्स आपको बता रहा हूँ जो हम आपको, अच्छा एक तो कोई चीज़ आपको मंगानी हो तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जी हम कहाँ से लें, हमें मिल नहीं रही। देखिए कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो, ठीक है, जो हम आपको देंगे, जो हम पिक्चर्स दे रहे हैं, देखिए नीचे आप देखेंगे मेरे तमाम नंबर्स जो हैं वो चल रहे हैं। आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, उन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करें, वो ऑथेंटिक नंबर है, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप वहाँ से मंगा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में तो आराम से हम आपको सेंड कर सकते हैं, दुनिया में भी कहीं जाना हो तो आपके रिलेटिव्स के जरिए वो जा सकते हैं। मैं दो क्रीम बता रहा हूँ आपको, वो मिला के लगानी है, ठीक है। फिर मैं एक आपको बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी, होम रेमेडी जो हर कोई घर में बना सकता है। देखिए मास्किन और जेस्ट ग्लो, मैंने आपको पहले बताया मास्किन में क्या है जी, पर्शियन गुलाब है, उसके अंदर एलोवेरा है, दूध है, बादाम की खली है, ठीक है, ग्लिसरीन है, और जेस्ट ग्लो में क्या है, अल्फा आर्बिटन जो लेटेस्ट सॉल्ट है, वो मिला के पूरे चेहरे के अलावा आप, अच्छा देखिए चेहरा ये नहीं है, चेहरा ये है, ठीक है, ये और ये पूरा चेहरा है, ठीक है, और उसमें आपके हाथ भी आते हैं, ये नहीं कि आपका चेहरा यहाँ से चमक रहा, हाथ पैर डल हो रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बात से बात निकलती है, लड़कियाँ आके मेरे पास रोजाना, लड़के भी, ये देखिए जी मेरा हाथ गोरा है, मेरा चेहरा उतना गोरा नहीं है। देखिए चेहरा आपका जो है ना, हाथ पे इतना खून का दौरान नहीं है, अगर जैसे कोई बीमारी भी होती है तो हीलिंग में टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे खून का दौरान कम है। चेहरे पे आपका सुर्खी, लाली, टैनिंग होती है क्योंकि आप यहाँ आँखों के लिए भी खून की सप्लाई है, और आपके होंठों, बोलने के लिए भी है, आपकी एक्ने भी यहीं आती है, ठीक है, तो उसके अलावा आपके दिमाग की सप्लाई भी जो होती है वो यहीं से जाएगी, फिर बालों की ग्रोथ के लिए, तो आपका चेहरा थोड़ा सा टैंड होता है। अच्छा जी, आज होगा जी टमाटर से आपकी गर्दन, आपकी कोनियाँ, आपके जो घुटने, जितने भी काले मैले हो रहे होते हैं सारे होंगे सफ़ेद और बिल्कुल साफ सुथरे चिट्टे होंगे टमाटर से। अच्छा, टमाटर के अंदर क्या होता है, विटामिन सी, सल्फर, पोटेशियम बहुत होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइकोपीन, ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, एक तो टमाटर आप खाया भी करें, टमाटर वैसे ही आप खाया करें, उससे आपके अंदर बड़ी एनर्जी आएगी और आपका खून साफ होगा। अच्छा, अब आपको मैं बता रहा हूँ बड़ी अच्छी सी घर की रेमेडी, उसको आपको खुद घर में बनाना है, आप देखिए कितनी जल्दी सही होगा। अच्छा, आप लेंगे जी आधा चमचा कड़वे बादाम का तेल, ठीक है, उसके अंदर आप डालेंगे जी थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी कैम्फर, काफूर, ठीक है, बिल्कुल चुटकी काफूर डालेंगे, उसके साथ डालेंगे आधा चमचा जो कैरम खेलते हैं आप तो बोरेक पाउडर डालते हैं, आधा चमचा बोरेक पाउडर, ठीक है, उसके साथ डालेंगे आप 3 से 4 चमचे घर में आपके
जैतून का तेल हो या मीठे बादाम का तेल हो, ठीक है, या बेबी ऑयल हो, ठीक है, बेबी ऑयल डालेंगे तकरीबन आप उसके अंदर 2 से 3 चम्मच, 4 चम्मचे भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ डालेंगे जी आप थोड़ा सा मिनरल वाटर या घर का साफ सुथरा पानी, उसके साथ डालेंगे जी थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली, ठीक है, और उसके साथ डालेंगे बीज वैक्स, ठीक है, शहद की मक्खियों का छत्ता, वो नहीं मिलता है, कोई खतरे परेशानी की बात नहीं है, आप पेट्रोलियम जेली ही का इस्तेमाल कर जारी रखें। और साथ में डालेंगे 3 चम्मचे आप डालेंगे जी टमाटर का रस, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया और ये रोज़ाना का रेजीम बना लें। आप रोज़ाना नहीं करते कोई बात नहीं, आप हफ्ते में 3 दिन करेंगे तो भी काम चलेगा। आपने ये मिक्सचर बनाया एक प्याले में, ठीक है, अच्छी तरह से उसका फेटा, ठीक है, और ये मिक्सचर बना के आपने, आजकल सर्दी लगती है, थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, तो आप दोपहर के टाइम पे 3 बजे 4 बजे लगाया हाथों पे, ठीक है, नकल्स पे, गर्दन पे, और आप लगाएंगे कोनियों पे, घुटनों पे, पैरों पे लगा सकते हैं, और इवन आप चाहें तो होंठों पे भी लगा सकते हैं। और ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा खास तौर पे ये जो होता है, ये अक्सर बेशतर आपने देखा होगा लड़कियां किचन का काम करके आती हैं तो वो पसीना यूं पोंछ लेती हैं, ठीक है, लड़के जो है वो आफ्टर शेव जो लोशन होता है वो बहुत यहाँ पे लगाते हैं दाढ़ी मूछों के हिस्से में। उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियां थ्रेडिंग या वैक्सिंग करती हैं तो उनका थोड़ा सा ये हिस्सा ग्रीनिश या डार्किश होता है, तो यहाँ पे भी लगाया करें। आप देखिए ये मस्के लगाने से एक तो आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी, बहुत शाइन करेगी, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि नेचुरली इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है। इससे क्या होगा कि आपके एक तो ग्लो आएगा और एक बिल्कुल एक होता है ना सफ़ेदी जो बिल्कुल बे रौनक सी फीकी, वो नहीं आएगी, एक सुर्खी के टिंच के साथ आएगी। आप इसको मुस्तकिल इस्तेमाल कीजिएगा। सेकेंड चीज़ ये कि हर एज ग्रुप में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये नहीं कि आप 6 महीने के बच्चों को, अक्सर जैसे अम्माएँ उनके बाल नहीं आ रहे होते हैं या थोड़ा सा उनके डार्क हो रहे होते हैं तो 6 महीने के बच्चों के लिए आप कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। कम से कम बच्चा 3 साल से अबव होना चाहिए, ठीक है, और हर एज ग्रुप में कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत ड्राई हो, बहुत ऑयली हो, बहुत फ्लेकी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आप जब भी कोई काम किया करें, देखिए कुछ प्रोफेशंस होते हैं जैसे कि शेफ होते हैं, ठीक है, उनका ज़्यादा काम होता है मसालों का, या हाउसवाइफ होती हैं घर का काम कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बच्चों की नैपी चेंज करती हैं, या कोई जैसे नाई होते हैं, ठीक है, हेयर ड्रेसर्स होते हैं, या अब मैकेनिक्स होते हैं, तो उनके अंदर कुछ ऑयली चीज़ें, कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे डिटर्जेंट्स हो गए या तेल हो गया या लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टकराती हैं उनके हाथों से, उनके पैरों से, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन थोड़ी सी टेंडर हो जाती है। तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये मिक्सचर है, इससे एक तो हाथ पैर आपके बड़े सॉफ्ट रहेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि जब एक ख़ास तौर पे जब आप सर्दियों में, आप जब सर्दियां आती हैं तो आप स्वेटर भी पहनते हैं, वुलन चीज़ें पहनते हैं, जब आपके हाथ पैर बहुत डार्क हो रहे होते हैं और जब खुश्की उसमें डेवलप होती है तो जब आप कोई स्वेटर पहनते हैं या इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो वहाँ पे खास तौर पे कट्स बहुत आते हैं, ठीक है, उससे रैशेज बनती है, तो ये उसको भी प्रिवेंट करेगा। सेकेंड चीज़ एक करंट सा आपने देखा होगा अक्सर, आपके हाथ पैर जब फटे होते हैं या एड़ियाँ बहुत ड्राई होती हैं या आपके कोनियाँ नकल बहुत काले होने के बाद, एक तो पहले काले होते हैं शुरू में, ठीक है, उसकी केयर नहीं करते आप, काले होने के साथ साथ उसमें क्रैक्स आते हैं और उसी के अंदर जाके जख्म बनते हैं, उससे आपका इन्फेक्शन भी बढ़ता है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप ये मुस्तकिल इस्तेमाल कीजिएगा, आप देखिएगा बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। सेकेंड चीज़ मैं आपको बड़ी ज़बरदस्ती बताता हूँ, आप टमाटर का जूस, ठीक है, आप क्या क्या करें, एक टमाटर रोज़ाना लें पीने के लिए, ये आपको अंदर से बड़ा वाइटलाइज करेगा। एक टमाटर आपने लिया, उसको अच्छी तरह से मैश किया, ठीक है, बाकी आपने एक टमाटर लिया, बाकी आपने आधा कप पानी डाला, ठीक है, उसके अंदर ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाला, ठीक है, और एक चीज़ होती है टबेस्को, बिल्कुल महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, और आप क्या करें 3 से 4 ड्रॉप्स टबेस्को के, ठीक है, 2 से 3 पत्ते पुदीने की पत्तियाँ, 2 से 3 पत्ते पुदीने की पत्तियाँ, 3 से 4 ड्रॉप्स टबेस्को की, उसके अंदर डाला थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है, एक टमाटर पानी, और इसको आप मिक्सचर बना के रोज़ाना पिया करें। एंटी एजिंग, एंटी पिगमेंट्री, एंटी इन्फेक्शन, ठीक है, आपको पूरी सर्दियों आपको बलगम जमा नहीं होगा, ठीक है, और आपकी बॉडी बड़ी ग्लो करेगी। हर एज ग्रुप में दे सकते हैं, अगर डायबिटीज़ है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने कोई मीठा ऐड नहीं किया।
अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसी ये अब बहुत मशहूर टिबेस्को वाला ड्रिंक है, टिबेस्को के साथ बाहर के मुल्कों में लोग बहुत पीते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा ट्रेंड कम है। अच्छा, जो लोग पीते हैं उनको जरा खट्टापन ज़्यादा लगता है, तो वो क्या करते हैं जी, थोड़ा सा इसके अंदर गुड़ ऐड करते हैं। आप शुगर वाले हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं, आप बिल्कुल आराम से पी सकते हैं। सिर्फ ब्लड प्रेशर वाले काली मिर्च नहीं डालेंगे, ठीक है, और शुगर वाले इसमें मीठा नहीं डालेंगे। हर कोई पी सकता है। आपको ये ड्रिंक इतना मज़े का लगेगा कि आप इसको पूरे साल पिया करेंगे। आप नाश्ते का हिस्सा बना लें। आप देखिए, एंटी एजिंग है, एंटी रिंकलिंग है, आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड ख़त्म करेगा, आपकी पिगमेंटेशन को ये ख़त्म करेगा, आपकी स्किन बहुत ही यंग होगी। और जो एक रूखापन आता है ना, लोग कहते हैं जी मेरी स्किन गोरी भी हो रही है, अच्छी भी हो रही है, मगर एक ग्लो नहीं है, एक रेडियंस नहीं है, तो ये उसके अंदर नेचुरली आपको रेडियंस डालेगी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आपका पेट, अगर आप डाइटिंग करते हैं ना, तो ये फिलिंग बहुत है, पेट को साफ करेगा, कॉन्स्टिपेशन रोकेगा। ख़ास तौर पे मैंने आपको जो ज़ीरा बताया है, ठीक है, और टमाटर के कॉम्बिनेशन के साथ ये फिलिंग बहुत होता है, अंदर से आपकी सफाई करेगा। जो बड़ी आंत कहलाती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो कि देखिए बाहर के मुल्कों में कोलन कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ये ख़त्म करेगा। आप बड़े फ्रेश रहेंगे। ये मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ। इसको नॉन स्टॉप यूज़ कीजिएगा, लगाइएगा, पीजिएगा और हमें बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि नेक्स्ट मंथ के, आपको कैसा लगा ये, और इसको नॉन स्टॉप यूज़ करके हमें जल्दी रिपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।